हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये लोग ऑब्वियसली 3 दिन से जो रूल चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों नहा चुके हैं। अब मेरी बारी है नहाने की। ये लोग तो अपना जूस वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं और इनका फास्ट है आज दोनों का। हाँ, इन तेरा नहीं है ना आज? इसका नहीं है जो कि पूरे साल फास्ट रखती है, लेकिन आज उन दोनों का है। कान्हा जी वाला फास्ट है ना? आज एकादशी है। एकादशी जो अगर आपने वो किया है, आपने जन्माष्टमी को फास्ट किया होता तो एकादशी को भी करना पड़ता है। अरे हाँ यार, कल इसने सॉर्टी वेजिटेबल बनाई है। नाइस यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं पाया लेकिन कोई बात नहीं, जब भी तू खुश हूं मैं आज। वैसे गाइज, आज हम सोच रहे हैं, हर बार प्लान तो कैंसिल हो जाता है, बट आज सोच रहे हैं कि नारगढ़ जाएं। जाएंगे तो इसलिए नहा के आ रहा हूँ मैं फटाफट से। फिर लेट्स सी, प्रशांत भी आ रहा है, अभिषेक भी आ रहा है और टिपोरे भैया को से भी बात हुई है। टिपोरे भैया का नाम बिगाड़ दिया, तो देखते हैं आज चलते हैं या नहीं चलते। गाइस हम लोग तो रेडी बैठे हैं, लेकिन वो यशी मैम पता नहीं क्या ही काम कर रही है। 1.5 घंटा हो गया उसका काम ही खत्म नहीं हो रहा है और हम नहीं चाहते कि ये लेट हो जाए। हम आज पहुँचने में भी 1 घंटा लगेगा और ट्रैफिक मिल गया तो ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल, सब वेट ही कर रहे हैं उसका। मीकू मैडम तो जाएंगी नहीं क्योंकि इनके जुकाम लग रहा है, तो ये रेस्ट करेंगी। सो जा, वापस हो जा। बंदों का ध्यान रखियो। हाँ अभी तो उसको हेड मसाज दूंगी। सी आई एम ऑल रेडी। और मैं ना आधे घंटे पहले, मैं आधे घंटे पहले ही रेडी हो गई थी। एक बताऊं क्या तेरे को, मैं आधे घंटे पहले रेडी था। आधे घंटे पहले रेडी था तो क्या अंदर क्या सो रही थी क्या? काम कर रही थी ना। काम कर रही थी, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं, काम लेट हो रहा है तो तेरी गलती, जल्दी करो, टाइम से करो सब चीज। अरे मैंने टाइम से किया था, जिसका काम था ना उन्होंने लेट कर दिया। सारी गलती मेरी है, बोल दे मेरी गलती है। तेरी गलती है, मेरे ब्लॉग मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, मेरे को चाटा भी मारा इसने आज। जस्टिस फॉर यश लिखो। ओ भाई। वैसे मैं आज मैंने ना बिल्कुल ऐसे था कि जो मुझे पहनना था, ये जो जैकेट है H&M से जैकेट और मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की हुई थी, तो ये आई थी घर पर, मतलब 2 दिन पहले आई हुई पड़ी थी, लेकिन कोई घर से ला नहीं रहा था। मैंने पापा को फोन किया, मेरे को जैकेट चाहिए। जानू है ना जानू, वो अपनी बुक्स लेने के लिए चौड़ा रास्ता कहीं गया होता है। डैडी उसको फोन करके बोलते अभी की अभी आ, उसको जैकेट दे के जा। वो मुझे जैकेट दे के गया है और तब मैंने पहनी है। नहीं तो ये मेरी पहनती है अभी डैडी। हाँ मैं इसकी पहनती जारा वाली। चश्मे भूल गए, थैंक यू चिया। इससे पहले ना मैं चार्जर और लिप बाम भी भूल गई थी, वो तो प्रशांत लिया है चुपचाप। उसके बाद मैंने फोन किया चश्मे के लिए, तो मेरे पीछे निकल तो गए हैं, लेकिन सूरज तुझे रास्ता पता है क्या? रास्ता वो पीछे मेरे पास मैप बैठा है एक, वो बताएगा। और वैसे ना जयपुर के टिपोरे भी है ना हमारा वेट कर रहे हैं, उनको मैंने आधे घंटे पहले बोला था कि भैया मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। तो एक बात बता, को बोला किसने झूठ बोलने के लिए? जो झूठ बोल बोल के लोगों को रुकवा देता है ना तू। हमने कॉल करके बोल दिया कि बोले यशी मैडम ने लेट किया था, अब आप उससे बात कर लेना। बस सारी गलती तो यशी मैडम की है। एक बार तो गलत जगह मोड़ चुका तू। शट अप, यू शट अप। ये जो पीछे वाले जो मैप है बहुत ढीले है। गलती सूरज भैया की कभी भी नहीं होती है, सारी गलती आस पास वालों की होती है। गलती गाड़ी की है जो ऐसे जा रही है। हाय टिपोरे भैया, कैसे हो? काफी देर जूझने के बाद, क्योंकि रास्ते में हम बड़ी उल्टी सीधी जगह पे गए, उसके बाद फाइनली रास्ते से लेकर आए इंसान। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है तो लॉन्ग कट कौन सा है? सिटी में चला जाते हैं, अगर थोड़ी देर और घूम रहे होते ना नारगढ़ कुछ चल के आ जाता हमारे। पर कोई बात नहीं, अभी हम लोग फाइनली वो जो वैसा हिल वाला थोड़ा रास्ता होता है वहाँ पे चढ़ना चालू हो गए हैं फाइनली, काफी देर बाद। हाँ सूरज कनक घाटी याद है, बचपन में जाते थे अपन गाड़ी पे, जाता था ना? नहीं गया भाई कभी भी। तू नहीं गया? ऑनेस्टली मैं भी कभी नहीं गई। मैं भी नहीं गया। आप तो गए होंगे यार। मैं रात को 3-3 बजे गया हूँ, सुबह सुबह सनराइज का देखने अच्छी लगे करें घाटी बड़ी। कब चलेंगे? कभी भी कभी भी चलते हैं दोबारा, जब ऐसे वापस घूमने को ना 70-80 किलोमीटर। जब तक पूरा घूम ना ले इधर उधर, हम भटक ना जाए, हमें मजा नहीं आता कहीं जाने का। जयपुर टुकड़े भी आपको ना उबर बुक कर दूंगा अगली बार से फ्लैट आ जाए। हारगढ़ फोर्ट, जस्ट एक यहाँ पर एंट्री लेते ही 4-5 पुलिस अंदर खड़े हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा चालान कटता है। सही है ना? तो वरना ये लोग हड़दंग मचाते हैं। और मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमारा चालान कटा था। सूरज याद है अपन स्कूटी पे आए थे? हाँ तो हेलमेट नहीं था इसी के पास, इसलिए कटा था। मैं सूरज से बात नहीं करूंगी, उसको गाड़ी चलाने दूंगी। नहीं वो पहली बार गाड़ी चला, मेरी भी पट रही है भाई। इतना तो भरोसा रखो यार, मुझको आती है इतनी अच्छी चलानी। मुझे पूरा भरोसा है, देखो भाई तेरा पूरा भरोसा है, कोई बात नहीं है, सामने वाले पे नहीं है। ये ऐसे बोल देना कि भरोसा नहीं है तो मैं इनको डेमो दिखा दूं। एक स्पॉट पे पहुंच गए जहां पर लोग बाग रुकते हैं। ये इस स्पॉट पर रुकना है क्या? आगे ऊपर चलते ऊपर चलते। ये नदी जैसा कुछ था ना यहाँ पर, अपन पहले भी एक बार रुके हैं।
इसी स्पॉट पर रुकते ही हैं, रुकते 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 सब रुकते हैं, उतरो 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 के तो ऊपर जाते वक्त ये एक स्पॉट है जहाँ पर सब रुकते ही रुकते हैं, मतलब मुश्किल से 5 मिनट में ऊपर आ जाते हैं और इस स्पॉट पर रुकते हैं और सब अपनी अपनी एक स्टोरी बनाते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। नाइस। अब जैसे है ना, किसी को अगर चढ़ते वक्त आ जाए तो क्या करा जाए, तो कुछ नहीं कर सकते, एक झरना बहा दो यहाँ से। ऐसे फोर्ट के अंदर जाना था लेकिन 5 बज चुके हैं यहाँ पर हमारे को आते आते ही, ये आदमी पता नहीं कौन सी दुनिया से घुमाते हुए लेकर आया है, 5 बजा दिए हैं, बाहर से घूम कर आएंगे हम ऊपर। अपन कितनी देर में पहुँच जाएंगे भैया? 15 से 20 मिनट। जयपुर वैक्स म्यूजियम यहाँ पर है क्या भैया? लेकिन वो नारगढ़ फोर्ट तो नहीं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा। कैमरा नहीं, आप फोन से भी शूट नहीं कर सकते। अच्छा, फोन भी अलाउड नहीं है? क्योंकि अभी बीच में बता रहे कि एक वो मतलब एक वो बता रहे कि क्या कोई हीरोइन है ना, एक्ट्रेस है, उसका शीशा जो बैठने की जगह थी ना, किसी ने फोन, एक लेडी ने वो फोन यूज कर दी। अच्छा अच्छा, गेट दिया फोन। ओके, तकरीबन 2-1 लाख रुपए का खर्चा आ गया था शीशे तोड़ने से। शीशे तोड़ टूटने की वजह से है ना। और ये भी वेरी गुड सूरज, गाड़ी मस्त चलाई ना मैंने, अच्छी चलाई तूने। मैं मेन टेंशन में था कि वो गेट बंद नहीं कर दिया हो, बट उन्होंने बोला कि 10 बजे तक खुला रहता है। ऊपर कैफे है जो सिटी व्यू देखने आते हैं। कैफे तो यार मैंने कभी नहीं देखा है यहाँ पर। मैं कसम से बहुत बार आया हूँ कैफे, फेमस है कहाँ पे, सनसेट होता है पड़ाव कैफे से है ना, और वहीं से लोग सिटी व्यू देखते हैं क्योंकि नाइट में वो लाइटिंग वाइटिंग वाला जो व्यू होता है ना। ओके, चल रहा है क्या? कहाँ? कैफे। तेरा फास्ट है आज, नहीं तो चल चलता। अरे सुसु करने जाना है पागल। फोर्ट इसकी उधर वाले रास्ते पर है, बट हाँ वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो हम इस साइड वाला रास्ते पर आए हैं और इधर भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने को, मतलब व्यू बहुत अच्छा, एंजॉय करने का। इधर से ऊपर भी जा सकते हैं बट हम नीचे जाएंगे। तू पहली बार आ रही है? नहीं, मार मार दे। अरे तू पहली बार आ रही है ना? हाँ हाँ, तो मैं तो पहली बार आ रही हूँ। हाँ और क्या, हम संडे को कभी भी सुबह सुबह आ जाते थे यहाँ पर। भाई ये स्कूल टाइम पे होता था घूमना फिरना, अब नहीं होता। और जो स्कूल टाइम में भी ना घूमा हो वो उसे यशी कहते हैं। ले जा, अब पूजो तो सुन तेरी बाबरे। इधर से बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पर, और ये देखो, ये देखो, इसमें अंदर अलाउड नहीं है जाना। क्यों? ये रहा वो पॉइंट, ये रहा, यहाँ से कूदे थे, यहाँ से खड़े होकर उस टाइम काफी ज्यादा पानी भरा था इसके अंदर, तब कूदे थे। पूरा क्लीन करके करता था। हाँ, उस टाइम पूरा पानी साफ, बहुत सारे टैंकर नीचे से ऊपर आए थे पानी के, और स्पेसिफिक उसी शॉट के लिए पूरा भरा गया था। पहले पता है अलाउड था, वहाँ पर अंदर चले जाते थे बहुत सारे लोग। तू गए? मैं नहीं गया, लेकिन बहुत सारे लोग चले जाते थे वहाँ पे अंदर। इधर पीछे से रास्ता है ना, वो बहुत खतरनाक है, उधर कार नहीं जा सकती, बाइक ही जा सकती, बहुत सीधा सीधा रास्ता से। यहाँ पर आपको है ना बहुत सारे प्रेम लव प्रेमिका वाले टैग्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे आशिक, ऐसे आशिक जो हार जाते हैं ना वैसे बैठ जाते हैं यहाँ पे। उषा लव निधि। हाँ, ऐसे बहुत सारे, आई लव निधि पूरी जगह पर। मुझे याद करने थे उसकी रंग दे बसंती की यहाँ पे हुई थी, और भी बहुत मूवीज इनकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। वो लोग तो नीचे रील्स बना रहे थे, तो मैं और प्रशांत ऊपर चढ़ के आए थोड़ा सा, और यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखो पूरा व्यू देखो, देखता हूँ पूरा काले बादल हो रखे इस साइड। आ गए ये लोग भी आ गए, आया आया आया, तो पता है आगे जाएगा ना, आगे जाएगा ना, ऐसा लग रहा है कि तू ऐसे पहाड़ पे खड़ा गई। फिर एकदम से बादल आ गया, अंधेरा हो गया। इस बार अपन सनराइज वाली साइड पर आ गए, अपन को सनसेट वाली भी जाना चाहिए था, लेकिन बादलों की वजह से वैसे भी कोई वो नहीं हो सकता कि वहाँ पर से अपन व्यू इंजॉय कर पाते, बट अगली बार जब आएंगे ना तब सनसेट वाली जगह पर चलेंगे ना। ओके, अभी हम थोड़ा सा और आगे ऐसे ही जा रहे हैं, भूल भाल गया मैं तो क्या था क्या नहीं था आगे। तो रात को भी गाड़ी चलानी है, कैसी बातें कर रहा हो अभी। यहाँ से नाइट व्यू भी बहुत अच्छा आता है, यहाँ पर ज़्यादातर दिवाली पर आते हैं लोग, सबसे ज़्यादा भीड़ दिवाली पर रहती है यहाँ पर, क्योंकि रात को
यहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी दिखती है पूरी सिटी पे कि सजी भी रहती है सिटी, तब देखते हैं लोग बाग। और ये इतना हरा भरा ना सिर्फ बारिश के मौसम में और सर्दियों में ही रहता है, और गर्मियों में ये सब येलो कलर का हो जाता है और एकदम बुरा दिखने लगता है। ले जाएगा शेर आ जाएगा बाग। हाँ तो अपन नहीं आए थे क्या अभिषेक 1 बजे रात को दिवाली पर? और हाँ, 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 पटाखे फोड़े थे यहाँ पर। और क्या, डर नहीं लगता क्या यार? नहीं। तो उस टाइम तो पूरा जयपुर आता है यहाँ पर, रात को आए हम बहुत लेट आए। आगे मुझे लोग दिखे मैं खुश हूँ, इतने लोग इसके साथ चल रहे हैं तब ये कुछ नहीं है। आगे भी तो लोगों नीचे नहीं पता चले पर अकेले जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है यार, कैमरा बचा लेना बस, और तो कुछ नीचे है मुझे। अब ये अंधेरा होने के बाद कितनी डरावनी लग रही जगह। यहाँ से चलते हैं। देख SRK लव IUC 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 बन रहा है ना IUC। अभी यशी को ना इस पे बिठाया था, इसने रिकॉर्ड ही नहीं करने दिया। अरे यार बहुत तेज आ गई, बहुत तेज आ गई। कैमरा कैमरा कैमरा, बारिश आ रही है बहुत तेज। अब तो पहुंच गए भाई कार के पास। अरे कार, गाड़ी खोल गाड़ी खोल। गाड़ी खोल। कैमरा पकड़ कैमरा पकड़। हम तो पहुंच गए। जो नहीं आए हम उनका नहीं जानते। बहुत तेज बारिश आई भाई। वो कौन सी गाड़ी? किसी और की गाड़ी में बैठ भाई प्रजात, किसकी गाड़ी में जा रहा था? अरे सालो, साले सापो, सालो तूरे तुझे, तू मेरे को लगता था अच्छा आदमी हो, तू खराब निकला। बेचारी पूरी छोड़ गया क्या? बहुत ज्यादा ही तेज बारिश हो रखी है समय तो। मेरी सारी परीक्षा आज ही ली जा रही है ड्राइविंग की। फ्लैट आ गए हम लोग और चेंज वगैरह भी कर लिया, और इतने ट्रैफिक में परेशान हो गए ना हम बहुत ज्यादा। और जिसमें ये तो सबसे ज्यादा हो गया, ब्रेक दबाए कभी क्लच, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, मेरा घुटना दुख गया भाई। तेरे को क्या मजा आता है कार चलाने में? इतनी भाई नॉर्मल रोड पे तो बहुत मजा आता है कार चलाने में, लेकिन ये ट्रैफिक क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, इतने अच्छे से तो ऊपर चढ़ाए और इतने अच्छे से नीचे लेके आया अंधेरे में बारिश में। चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते कल, बाय बाय।